प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाले वर्ष में ग्रामीण आंचल में छिपी प्रतिभाओं को तराशने के लिए हर 10 किलोमीटर के अंतर्गत गांव में खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस बड़ी परियोजना के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से खेल विभाग के माध्यम से मैपिंग का कार्य पूरा करवाया गया है। इस मैपिंग के माध्यम से ये तथ्य सामने आया कि 307 गांवों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। इससे हरियाणा प्रदेश में ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सहजता से तैयार किए जा सकेंगे। अहम पहलू ये है कि कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा और विधायक रामकरण काला ने जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बातचीत की। विधायक सुभाष सुधा व विधायक रामकरण काला आज जिला प्रशासन की तरफ से लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार से ऑनलाइन प्रणाली से हिसार में 784 करोड़ की 10 परियोजनाओं सहित प्रदेश की 2024 करोड़ की लागत की 153 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के सभागार में विधायक सुभाष सुधा व विधायक रामकरण काला ने गांव बिहोली में 2,59,00,000 की लागत से निर्मित पिपली ब्लॉक के विकास एवं पंचायत विभाग के भवन का उद्घाटन किया। बीड़ मथाना में 1 एकड़ में 2,23,00,000 की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र व सिंचाई विभाग की तरफ से लुक्की माइनर पर 5,56,00,000 रुपए की लागत की परियोजना का शिलान्यास किया। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की 3 परियोजनाओं की सौगात दी गयी। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र की 3 परियोजनाओं की सौगात देने का काम किया है। इससे बिहोली गांव में आसपास के लोगों को बीडीपीओ कार्यालय से संबंधित तमाम कार्यों को करवाने में सुविधा मिलेगी। इसके अलावा बीड़ मथाना के लोगों को सामुदायिक केंद्र की सौगात मिली है। इस परियोजना के पूरा होने से लोगों को अपने गांव में ही तमाम सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है और सबका साथ सबका विकास नीति को आधार मानकर कार्य किया जा रहा है। इस प्रदेश में सभी हलकों को मुख्यमंत्री ने किसी न किसी परियोजना की सौगात दी है। इससे साबित होता है कि सभी हलकों का एक समान विकास किया जा रहा है। विधायक रामकरण काला ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के लोगों को एक साथ 2024 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने का काम किया है। इससे प्रदेश के लाखों लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। इस सरकार ने शाहबाद हलके का भी तेजी के साथ विकास किया है। इस सरकार ने हर गांव और शहर में एक समान विकास किया है। इसके अलावा जितने भी विकास कार्य अधूरे हैं उनका भी तेज गति से अधिकारियों को विकास करना चाहिए ताकि सभी योजनाएं और परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो सके। उपायुक्त शांतनु शर्मा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने कुरुक्षेत्र को आज 5 परियोजनाओं की सौगात दी है। इसमें 3 परियोजनाएं सिंचाई विभाग से संबंधित है तथा 2 परियोजनाएं विकास एवं पंचायत विभाग से संबंधित है। इन 5 परियोजनाओं पर 27,60,00,000 रुपए का बजट खर्च होगा। इस मौके पर जिला परिषद के चेयरमैन कमलजीत कौर, जजपा के जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, जिला परिषद के सीईओ अशोक कुमार मुंजाल, एक्सजन पंचायती राज वीरेंद्र चौहान, सैनी समाज के अध्यक्ष गुरनाम सैनी सहित अन्य अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल जी के द्वारा लुहास यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 2200 करोड़ के बजट होगा आज उद्घाटन किया गया, जिसके तहत आज कुरुक्षेत्र में भी एक ब्रिज जो है हमारा बनना नम का इसका नरवाना ब्रिज ब्रांच पे इस पर 8,82,00,000 की लागत से तथा हमारे नम का एक पिपली में जो ब्लॉक्स बनना है नम का ब्लॉक ऑफिस बनना है बिल्डिंग उसके लिए 2.59 लाख का और एक उसके साथ ही पंचायत कम्युनिटी सेंटर बनना बीड़ मथाना के अंदर उसमें 2.23 करोड़ का लागत से 3 प्रोजेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे इसके निर्देशन किया है लगभग ये तीनों प्रोजेक्ट बनेंगे लमका 12 करोड़ रुपये की लागत से 13 करोड़ की लागत से बनेंगे। ये प्रोजेक्टों का आज उद्घाटन किया गया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने एक ही विजन है सबका साथ सबका विकास। सोमवार पे हमारे सुभाषुदा जी हमारे विधायक परिषद से और डी साहब चेयरमैन जिला परिषद और हमारे जिला प्रधान कुलदीप जुखवाला जी और जिला प्रधान हमारे और भी साथी हमारे पत्रकार साथी बंधु जितने भी हमारे पदाधिकारी सारे अधिकारी यहां बैठे हैं मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। हमारा 8.5 करोड़ का जो मेरा बजट तो आज मूर्त है इसका मैं सीएम साहब को भी डिप्टी सीएम साहब को पूरे प्रशासन को बधाई दूंगा। आज हमारे जो कार्य और जितने भी कार्य चल रहे अधूरा पड़े जितने भी अधिकारी बैठे जितने भी जल्दी जल्दी होंगे हमारा उतनी फायदा सरकार का फायदा हमारी जनता का फायदा। तो मैं तो ये कहूंगा आप सब ने सुना और देखा तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है जो कार्य चल रहे जो आप कर रहे हैं जो जितने अधिकारी कार्य काम करवा रहे जितने बहुत अच्छा है हर दफ्तर में काम हो रहा और जल्दी जल्दी काम होगा उतनी जनता का फायदा लाभ होगा तो सरकार का भी लाभ हर व्यक्ति का जिम्मेदार किसान मजदूर
सबके लिए फायदेमंद रास्ते, खेतों के रास्ते हैं, चाहे सड़क है, चाहे कुछ भी है, जो अधूरा काम पड़ रहा है जल्दी पूरा करें, मेरे तो ही मानना। धन्यवाद। नमस्कार। जय। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश मधवा की रिपोर्ट।